पहले ऐसा बोलो रोलिंग कैमरा फिर एक्शन, थोड़ा कुछ बोल करो, मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ ना, बोलिए बोलिए वैसा। हाय गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, सुजीत मोरणकर एंड माय वाइफ प्राजक्ता मोरणकर। आई थिंक आज कुछ शेयर करने जा रहा हूँ, बट जस्ट मुझे शेयर ये करना है कि मेरे घर का जो भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग हुआ है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ विथ माय वाइफ प्राजक्ता, तो हमने मतलब घर लिया है तो हर घर वालों का सपना होता है कि कुछ ना कुछ अच्छा करे, अपना इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी अच्छा हो। लेकिन बहुत सारे इंटीरियर डिज़ाइनर्स हमने विज़िट किए, 3D डिज़ाइंस भी देखी। तो जैसे कि मेरा भी रूटीन काम है घूमना फिरना काम के सिलसिले में, तो मैंने जाते जाते जस्ट बेस्ट किचनेट का बोर्ड पढ़ा, बेस्ट किचनेट का बोर्ड पढ़ा तो जस्ट एज अ कैजुअली मैंने वहाँ पर विज़िट किया। जब मैंने विज़िट किया फिर उन्होंने थोड़ा सा 3D डिज़ाइंस के बारे में अगर डिस्कस किया, देन अगेन सेकेंड विज़िट में वाइफ के साथ वहाँ पर मैंने विज़िट किया, फिर उसके बाद हमने चलो किचनेट से करवाना है ये चीज़ पे तय किया। तो किचनेट का जो एक्सपीरियंस है, विज़िट किया तब ऐसे लगा कि ये कुछ अच्छा कर दिखाएंगे, मतलब कुछ अलग कर देंगे। हाँ, वो एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया वहाँ पे, मतलब जो 3D डिज़ाइन हम कर रहे थे ना, तो उन्होंने हमारे साथ बहुत सारे आइडियाज शेयर किए कि उसकी वजह से ऐसे लगा कि कुछ तो अलग बनाएंगे ये लोग। तो इसकी वजह से हमने डिसाइड किया कि हम किचनेट से ही सब करेंगे। और थ्रू आउट द जर्नी बहुत सारा कोऑपरेशन दिखाया उन्होंने भी, जैसे हम डिज़ाइंस मतलब उनको थोड़ा बहुत चेंजेस बता रहे थे, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और बहुत अच्छे तरह से काम किया। एक चीज़ मैं इस पर नोटिस करना चाहूँगा, जैसे किचनेट वाले जो 3D डिज़ाइन दिखाते हैं, तो 3D डिज़ाइन के मामले में जनरली क्या होता है, इंटीरियर डिज़ाइनर्स जो है ना, सर ये अच्छा दिखेगा, मैडम ये अच्छा दिखेगा करके जनरली कोई भी डिज़ाइन पुश करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा हुआ कि उनका जो विजन था उसके साथ साथ हमारा क्या डिज़ाइन है हमारे माइंड में, वो भी उन्होंने ब्लूप्रिंट पे लाया और वो क्लब किया। मतलब ऑफकोर्स हमारी भी स्ट्रैटेजीज उनकी भी विजन, ऐसा एक जो कॉम्बिनेशन होता है वो कॉम्बिनेशन के साथ एक अच्छा डिज़ाइन फाइनलाइज हुआ। और एज़ पर दैट डिज़ाइन उनके जो भी कारपेंटर की टीम है, जैसे कि जो बेस्ट किचनेट के ओनर है दिलीप साहब, आनम मैडम और बाकी जो भी उनके इंटीरियर डिज़ाइनर्स है, तो उनका काफ़ी अच्छा सहयोग रहा फ्रॉम द डे वन। इसकी वजह से काफ़ी अच्छा डिज़ाइन जो ब्लूप्रिंट पे आया था वो असल में भी उतर आया। मतलब जो भी कोई हमारा घर देखता है या नोटिस करता है कि ये कब बनाया और कितने खर्चे में बनाया, तो एक बेस्ट पॉसिबल खर्चे में आपका जो बजट है उसमें जो भी बेस्ट है वो आपको बेस्ट किचनेट के थ्रू मिलता है। मतलब यहाँ में घर में जो भी देखेंगे आप थोड़ा सा यूनिक और फ्रेश ही लगेगा, उस हिसाब से हमने बनवाया। और जितना टाइमलाइन बोला उतने में ही उन्होंने कर दिया, क्योंकि हमें बहुत जल्दी था शिफ्ट करने का, तो हमने उनको बोला था विद इन 25-30 डेज हमें कम्प्लीट चाहिए और उन्होंने 28 डेज में हमें पूरा कम्प्लीट करके दिया। मतलब वेरी थैंकफुल कि हमें बहुत जल्दी आपने कंप्लीट करके दिया। टाइमलाइन बहुत ज़रूरी चीज़ होती है और ख़ास करके इंटीरियर डिज़ाइनिंग में एक बार काम चालू होता है तो ऑन एन एवरेज 6-7 महीना बोला जाता है। बट जैसे कि मेरे वाइफ ने कहा कि 28 डेज मतलब विद इन अ 1 मंथ, तो टाइमलाइन भी उन्होंने फॉलो किया और एकदम ऑनेस्टली काम किया, क्योंकि प्रैक्टिकली हम साइट पर अवेलेबल भी नहीं हो पा रहे थे बिकॉज हम दोनों भी काम करते हैं जॉब करते हैं, तो इसकी वजह से। बट हमारे एब्सेंस में भी उनके कारपेंटर्स ने जो ऑनेस्टी से काम किया है वो काफ़ी तारीफ काबिल है। थैंक यू फॉर द सर्विस, थैंक यू किचनेट ने जो दिया, थैंक यू फॉर द सर्विस फॉर द किचनेट, द बेस्ट बजट इंटीरियर डिजाइनिंग एंड द बेस्ट कोऑपरेशन फ्रॉम द एंटायर टीम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।